हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस द द द इन सिलेबस ऑफ क्लास सेवन एंड द इज डी जे एंड मीन्स विद्रोही जो दूसरों से हट के कोई काम करता है सी दिस वीडियो क्लिप यू आर सींग दिस वीडियो क्लिप दैट एवरीबडी इज इंजॉय लेकिन एक बच्चा है जो बिल्कुल उदास बैठा है तो वो औरों से हट के है इसलिए वो रिबल है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं रिबल मीन्स विद्रोही सोबरली यानी सादे ढंग से फैंटास्टिक शानदार प्रेफरेंस यानी पसंद करना प्रेज़ करना किसी की तारीफ करना रिग्रेट यानी दुखी होना और ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना ये सभी वर्ड मीनिंग इस पोयम को समझने के लिए आपको लर्न होने चाहिए सो प्लीज़ लर्न दीज सेवन वर्ड मीनिंग्स नाउ लेट्स गो थ्रू द पॉय वेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लोंग जब हर कोई बाल बढ़ाता है जो रिबल है सबसे डिफरेंट काम करने वाला जो है वो अपने हेयर लॉन्ग कर लेता है वैन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट लेकिन जब हर कोई अपने बाल लॉन्ग कर रहा है तो रिबल अपने हेयर शॉर्ट कर लेता है सबसे अलग रहना उसको दूसरे जो करते हैं उनसे हट के काम करता है वैन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन लेसन जब टीच कर रहे हैं और हर कोई बात कर रहा है द रिबल डजन से अ वर्ड वो कुछ नहीं बोलेगा वैन नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन तो जो रिबल है उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है दूसरों को तंग करना है वैन एवरीबडी वी आर्स अ यूनिफॉर्म हर कोई यूनिफॉर्म पहने हुए है द रिबल ड्रेसिस इन फैंटेस्टिक क्लोथ्स फैंटेस्टिक मीन्स शानदार सबने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है लेकिन जो रिबेल है वो फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है वेन एवरीबडी वियर्स क्लोथ्स सबने बहुत अच्छे अच्छे शानदार कपड़े पहने हुए हैं द रिबल ड्रेसेस सॉबरली तो वो सादे ढंग से बिल्कुल नॉर्मल जो कपड़े पहनने के होते हैं ना घर सादे कपड़े पहनता है इन द कंपनी ऑफ डोग लवर्स द रिबिल एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर कैट्स बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सबको डॉग्स पसंद है लेकिन रीबल कहेगा मुझे तो कैट पसंद है एंड द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रीबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स अगर सारे लोग कैट लवर्स हैं सब कैट्स को पसंद करते हैं तो रीबल कहेगा कि मुझे तो डॉग्स ज़्यादा पसंद है उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कहेगा वेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन द रीबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन जब हर कोई ये चाहता है कि हाँ धूप अच्छी लग रही है सब धूप की प्रेज कर रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं रिबल कहेगा कि यार बारिश होनी चाहिए वेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबल रिग्रेट्स द एबसेंस ऑफ सन यानी कि जब हर कोई रेन को वेलकम कर रहा है तो रिबल उदास होता है दुखी होता है कि आज धूप क्यों नहीं निकली एबसेंस ऑफ सन मतलब आज सन क्यों नहीं आया नेक्स्ट देखते हैं वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रीबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक यानी कि जब हर कोई दूसरों से मिलने के लिए जा रहा है रीबल क्या प्रिफर करता है मैं तो घर पर रहूँगा और बुक रीडिंग करूंगा वन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक जब हर कोई बुक रीडिंग कर रहा है घर पर रुक कर द रीबल गोज टू द मीटिंग वो लोगों से मिलना पसंद करता है वन एवरीबडी स्टेज येस प्लीज़ हाँ बिल्कुल द रिबल्स इज नो थैंक यू नहीं मुझे नहीं चाहिए जब आपको कुछ चाहिए तो आप कहते हैं यस प्लीज़ और नहीं चाहिए तो क्या कहते हैं नो थैंक यू मुझे नहीं चाहिए वेन एवरीबडी से इज़ नो थैंक यू द रिबल्स इज़ यस प्लीज़ जब और किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे दीजिए इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स रिबल्स का होना भी अच्छा है यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन लेकिन अगर आप किसी के लिए रिबल हैं तो हो सकता है ये अच्छी बात नहीं है यानी अगर आपके आसपास कोई रिबल है विद्रोही है तो इट्स ओके लेकिन आपको कभी भी रिबल नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप ऐसा करके अच्छा महसूस नहीं करोगे Now, let's go through the important questions of this ऑफ़ दिस question फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ wear a यूनिफॉर्म टू स्कूल what डू यू थिंक द टीचर विल से अगर कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएगा तो टीचर उसे क्या कहेगा आप देखते ही हो जब कोई भी स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता तो टीचर क्या करता है द टीचर विल स्कोल्ड दैट स्टूडेंट स्कोल्ड मतलब डांटना यूनिफॉर्म क्या होता है सबके लिए एक जैसी ड्रेस होती है है ना तो सबका एक जैसा दिखना जरूरी है इसीलिए टीचर स्कोल्ड करता है स्टूडेंट को और उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में तुमने यूनिफॉर्म पहन कर ही आना है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स रिबल्स होना हमारे आस पास अच्छा क्यों है इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स बिकॉज दिच आज टू अपोजिट टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स विच इज इंजॉयबल उनको देख कर अच्छा लगता है क्योंकि वो दूसरों से हट के काम करते हैं दैट सेट अबाउट दिस पोएम इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग टूं विद मी